फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही आम बीमारी है। ये नॉर्मली डायबिटिक्स लोगों में देखा जाता है, खासतौर से उनमें जिनकी कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र है, और ये फीमेल्स में या कि महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है मेल्स के कंपैरिजन में। तो ये होता क्यों है? नॉर्मली हमारे जो कंधा होता है इसमें जॉइंट होता है अंदर, जिसको कि हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जहाँ पे कि ये मूवमेंट होता है कंधे का। तो फ्रोजन शोल्डर में इस कंधे के जॉइंट के ऊपर का जो कैप्सूल है वो सिकुड़ जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से कि सिकुड़ जाता है। तो मरीज को हाथ ऊपर ले जाने में और पीछे ले जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत शुरू होती है। तो दो मूवमेंट जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फ्रोजन शोल्डर में वो हैं ये और ये। तो ये मूवमेंट पेशेंट को करने में दिक्कत होती है। तो हाथ जैसे कोई चीज़ ऊपर से उतारनी है तो उतार नहीं पाएंगे, या अगर पीछे की पॉकेट में पर्स रखा है, पर्स निकालना है तो निकालने में उनको दर्द होगी, या अगर कपड़े पहनने हैं, कपड़े बांधने हैं, उसमें दिक्कत होगी। इसका दर्द नॉर्मली कंधे में यहाँ बाहर की तरफ होता है, और ये दर्द जो है रात में ज़्यादा होता है जब ये शुरुआत होती है इसकी। तो जब इसकी शुरुआत होती है, शुरू में कंधे में दर्द होता है लेकिन मूवमेंट जो है पूरा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे एक सेकेंड स्टेज आती है जिसमें कि मूवमेंट भी कम होता चला जाता है और साथ में दर्द भी बढ़ता जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि कंधे का मूवमेंट कम हो रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, रात में सोने में दिक्कत हो रही है, अपने नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत हो रही है, कपड़े पहनने में, सामान ऊपर से उतारने में, तो फिर इसका मतलब आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है या फिर शुरू हो चुका है और सेकेंड स्टेज तक पहुँच चुका है। तो इसमें आप अपने डॉक्टर को मिले। नॉर्मली तो इसका डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करके ही बता देंगे कि ये फ्रोजन शोल्डर लग रहा है देखने में। लेकिन MRI से हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिख के आ जाता है कि फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ फ्रोजन शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसका दूसरा नाम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी है। तो अगर ये सिचुएशन है तो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से और थोड़ी बहुत बीच बीच में पेन किलर लेके ही काम चल जाता है। नॉर्मली इसमें 3 से 6 हफ्ते की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कि आपके कंधे का मूवमेंट वो धीरे धीरे करके खोल देते हैं, और थोड़ी आपको मेडिसिन लेनी होती है जिससे कि आपका पेन कम हो जाए और इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो जाए। अगर इससे आराम नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि हमको कंधे में इंजेक्शन देना पड़े। कंधे में इंजेक्शन जो है हम रेयर केसेस में ही देते हैं कि जब एक्सरसाइज नहीं हो पा रही या मूवमेंट बहुत ही कम है या किसी मरीज को जल्दी ठीक होना हो। तो इसके सिवा एक्सट्रीमली रेयर केसेस होती हैं कि जब कंधे की हमको सर्जरी करनी पड़े, जिसको कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें कि वो कैप्सूल जो कि सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है, उसको हम आर्थ्रोस्कोपिकली कट कर देते हैं और उससे कंधे का मूवमेंट जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं कि कंधे के बाहर की पार्ट में आपको दर्द है, रात में ज़्यादा हो रहा है, कंधे का मूवमेंट कम हो रहा है, और आपको डेली एक्टिविटीज़ में हाथ ऊपर ले जाने में और पीछे ले जाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर को मिलें, वो आपका जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जिस भी स्टेज पे आपका डिजीज़ है, उस हिसाब से आपको बताएंगे ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। थैंक यू।